फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग वोटर आईडी कार्ड अभी भी नहीं बनाए हैं, ठीक है, जो मेरे पास आते हैं वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए। तो मैं इसीलिए सोच रहा था कि एक वीडियो बनाया जाए कि वो अपने जो भी अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा रहा है वो अपने पर्सनल मोबाइल से या लैपटॉप से घर बैठे अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सके। तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है, ठीक है। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखना, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आपको क्या क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको गूगल क्रोम ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेबसाइट का आप डैशबोर्ड देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है डैशबोर्ड, वोटर पोर्टल, ठीक है। वोटर पोर्टल इस तरह से आपको खुल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपने मोबाइल नंबर अपने रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने बोलेगा, उसके बाद आपको कुछ इस अब तरह। आप लोग कहोगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले जब आप इस वेबसाइट पे आओगे, सबसे पहले आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगा जाएगा, ठीक है। तो आपको मोबाइल नंबर पासवर्ड आपके पास नहीं होगा, तो आपको जो है नीचे में न्यू रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको नाम, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट क्लियर करके आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। आप लोग यहाँ पे न्यू वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू वोटर कार्ड रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको यहाँ पे फॉलो करते जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस आई एम अप्लाइंग फॉर फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्लिक करके आपको सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया से हैं तो आप यहाँ पे टिक कीजिए। उसके बाद या आप इंडिया से बाहर हैं तो आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आप इंडिया से नहीं हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेवन कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट से डिस्ट्रिक्ट लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिख के यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, आधार, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपको एक यहाँ पे मैं ऐसे डेमो के लिए एक यहाँ पे अपलोड किया हूँ अपना सिग्नेचर। यहाँ पे आपको ये जो फॉर्म मैं डाउनलोड कर रहा हूँ इसको आपको यहाँ पे फॉर्म को निकाल के आपको अच्छी तरह से फिल करके उसके बाद इसको वहाँ पे अपलोड करना है, जहाँ पे मैं सिग्नेचर अपलोड किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे, सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम लिखना है, आई सन डॉटर ऑफ, यहाँ पे अपना वाइफ है, पिताजी या मदर का नाम लिखना है। उसके बाद आर ओ, यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे द कॉन्सिटेंसी फिल करना है, उसके बाद डेट लिखना है, प्लेस लिखना है, सिग्नेचर करके आपको अच्छी तरह से स्कैन कर लेना है, ठीक है। जो है प्लेस डेट लिख के सिग्नेचर करके इसको आप अच्छी तरह से स्कैन करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, सिलेक्ट फाइल टू अपलोड, ठीक है। उसके सेवन कंटिन्यू कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह शो करेगा, यहाँ पे मैं सिग्नेचर दिखाई देगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप मेल फीमेल अदर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हो अपना नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना सुरनेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है इंटरव्यू नेम हिंदी में लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मंगल फोन का कीबोर्ड है, इसको आपको मंगल फोन के हिसाब से आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मेरा नाम है राजकुमार, तो मैं यहाँ पे राजकुमार यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है नो डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हैं या तो आप नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल लगाएंगे,
एक अपना फोटो अपना डेस्कटॉप से लगाएंगे एक फोटो, ठीक है, जो आपका वोटर आईडी कार्ड में होगा, ठीक है, फोटो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सेवन कंटिन्यू क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पेरेंट्स का, माता पिता, किसी का भी वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वोटर आईडी कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप उनका नाम लिख सकते हैं जिनका भी आप वोटर आईडी कार्ड का नाम डाले हैं वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे उनका सीरियल नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो है नाम लिखना है पूरा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप रिलेशन टाइप लिख सकते हैं, आपको क्या है, फादर है, मदर है या अदर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फादर है तो फादर पे क्लिक कर दें, या तो आप मदर पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है सेविंग कंट्री पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सेविंग कंटिन्यू जब आप करोगे तो आप इस तरह का फॉर्म फिर आपके पास आएगा। तो उसके बाद सबसे पहले आपको हाउस नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद एरिया लोकेलिटी लिखना पड़ेगा। उसके बाद राइट साइड में आपको हिंदी पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको राइट साइड में हिंदी पे लिखना पड़ेगा। आपको कीबोर्ड यहाँ पे मंगल पंखा दिया गया है, ठीक है। कीबोर्ड पे क्लिक करके आपको जो है मंगल फोन पर टाइप करना पड़ेगा हिंदी में, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा और राइट साइड में आपको हिंदी पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एरिया टाइप करोगे, अपना सिटी, टाउन, विलेज जो भी हो यहाँ पे टाइप करेंगे, विलेज है तो विलेज टाइप करेंगे। उसके बाद अपना पिन कोड टाइप करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, ठीक है। उसके बाद अपना असेंबली जो है, जो भी आपका असेंबली है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। ये ऑटोमेटिक आपका जो डिस्ट्रिक्ट का नक्शा जो है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो उसको तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट फाइल टू अपलोड यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको राशन कार्ड का जो स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ अपना राशन कार्ड, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अपना कब से आप रह रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, ईयर्स और आपका मंथ डालना पड़ेगा कब से आप रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ प्लेस किशनगंज अपना नाम लिखना पड़ेगा, राजकुमार सिन्हा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस सही से एक बार आप चेक कर लेना। यहाँ पे मैं डेमो के लिए कुछ भी एड्रेस डाल दिया हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे एड्रेस जो भी डालोगे यहाँ पे अच्छी तरह देख लेना, जैसे कि आपका विलेज क्या हो गया, पोस्ट ऑफिस कहाँ हो गया, थाना कहाँ हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक जो भी हो सारे यहाँ पे आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप देन आप यहाँ पे जो है सेव नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस तरह से एक फॉर्म आएगा आपके पास, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप यहाँ पे देखना, ये डेमो के लिए है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस फॉर्म से सारे जो जो चीज़ें यहाँ भरे हैं सारी चीज़ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। फोटो भी आ चुका है। तो इसको आप एक बार सबमिट करने के बाद आपका जो है एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं आप एक बार फॉर्म देख के, ठीक है। इसको आप एडिट भी कर, अगर आप यहाँ फॉर्म पर कोई गलती कर चुके हैं तो उसको आप एडिट करके इसको सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपका अगर सारी चीज़ यहाँ पे सही है तो आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन वो सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा जिससे आप एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। उस रेफरेंस नंबर को आपको अच्छी तरह नोट करके रख लेना है कहीं पे, ठीक है। इसके थ्रू आप एप्लीकेशन का जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं कभी भी, ठीक है, कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। आपका एप्लीकेशन
एक्सेप्ट किया गया है या रिजेक्ट किया गया है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको स्टेटस देखने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप स्टेटस चेक करते रहना, ठीक है। उसके बाद आपको फील्ड वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे कॉल आएगा BLO के थ्रू, ठीक है। BLO आपके घर आ सकता है या कॉल के थ्रू आपका डिटेल ले सकता है। उसके बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट होने के बाद आपका जो है 10 दिनों के अंदर आपका वोटर आई डी कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। तो आप वोटर आई डी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो लंबी हो रही है फ्रेंड, ठीक है। एप्लीकेशन का स्टेटस देखने के लिए आपको ट्रैक एप्लीकेशन क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद आपका रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। रेफरेंस नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन में क्लिक करना पड़ेगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि आप घर बैठे अपने फ़ोन या लैपटॉप से कैसे अपने वोटर आई डी कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो के लिए, कीप वॉचिंग।